नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाइट एजुकेशन पे। बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले उन सभी अभ्यर्थियों के लिए लगातार हम अपने चैनल पे मॉक टेस्ट दे रहे थे, जिसमें कि आज है 32 नंबर का टेस्ट। ये चलिए इस टेस्ट को लगाते हैं। 70 क्वेश्चन का ये पूरा MCQ है। आप कितने उत्तर सही कर रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न क्या कहता है, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। चलिए लगाते हैं टेस्ट। आज का पहला सवाल ये रहा आपके सामने दोस्तों, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था, उत्तर कीजिएगा। बिल्कुल, जिनका उत्तर आ रहा दोस्तों यहां पे श्रीमद् भगवत गीता, आंसर कीजिएगा इट्स अ सी, नोट कर लीजिएगा, गांधी जी ने इसको अपनी माता कहा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहां पे सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर में चयन करें। अब देखिए, केशव सेन रिलेटेड है ब्रह्म समाज से, नोट कर लीजिएगा, केशव सेन है रिलेटेड ब्रह्म समाज से। दयानंद सरस्वती की बात करें तो ये आर्य समाज से रिलेटेड है, आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा इसका। और आत्माराम पांडुरंग जो थे ये प्रार्थना समाज से रिलेटेड थे, और जो सैयद अहमद खान थे वो अलीगढ़ आंदोलन से रिलेटेड थे। तो ये कुछ इस तरह का आपका जो सुमेलन होगा, ये सुमेलन सही होता है। तो अगर आप उत्तर यहाँ पे दोस्तों कर रहे हैं, पहले तो 2, फिर 4, फिर 3, फिर 1, ठीक है, आंसर यहाँ पे सी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे कि किसमें शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, कौन से सन ईस्वी में। बिल्कुल, अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, तो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं, आंसर आपका ई हो जाएगा। 1674 ईस्वी में ही गंगा भट्ट ने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया था, याद रखना गंगा भट्ट ने कराया था इनका राज्याभिषेक। ओके, शिवाजी के माता की मृत्यु होने के पश्चात तांत्रिक विधि से राज्याभिषेक कराए गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ था, कौन सी ईस्वी में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व जो है 1772 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, आंसर यहाँ पे डी कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जिनका भी उत्तर आ रहा है यहाँ पे, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। चलिए उत्तर कीजिएगा, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों तक जा सके, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्यूज है। आंसर कीजिएगा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। जिनका भी उत्तर डी आ रहा है बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की थी, बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे दीन बंधु मित्र ने की थी, आंसर यहाँ पे डी कर लीजिएगा। जिनका भी उत्तर आ रहा है देखिए बता दें आपको, नील दर्पण नाटक जो है 1859, ठीक है, में प्रकाशित हुई थी, और यह पुस्तक नील किसानों की दुर्दशाओं को ज्वलंत चित्रण करके प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है। बिल्कुल, बंगाल का नील विद्रोह, नोट कर लीजिएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो कि आपको बता दें कि 1860 के दशक में बंगाल में नील कृषक के नील खेती के समस्याओं को लेकर यह भारी आंदोलन किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे टेस्ट लगाते हैं और टेस्ट में सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, है ना, इन सब से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, GK से रिलेटेड और बिहार स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं आपको यहाँ पे। आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग यहाँ पे, कि कानपुर, जी हाँ नोट कर लीजिएगा, 1857 का विद्रोह जो है नाना साहेब के नेतृत्व में लड़ा गया था, आंसर यहाँ पे डी कर देंगे। अब यहाँ पे नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, तुजुके बाबरी एवं मनसवी, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, तुजुके बाबरी एवं मसनबी साहित्यिक कृतियां थी किसकी, तो ये बाबर की कृतियां थी दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा यहाँ पे। बाबर भारत कब आया था, तो याद रखिएगा 1726 ईस्वी में बाबर जो था, माफ कीजिएगा 1526 ईस्वी में भारत आया था, ठीक है, और ये इब्राहिम लोदी को हराकर अपना जो मुगल वंश का यहाँ पे संस्थापक भी बना था, ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, सूची एक और सूची दो को मिलान करना है आपको फिर से यहाँ पे, और नीचे दिए कूट को सही मिलाना है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों, थोड़ा सा नोट कीजिएगा,
ये 1526 में हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, ठीक है। तब से ही बाबर का यहाँ पे मुगल वंश का जो संस्थापक बना था बाबर, ठीक है। खानवा का युद्ध, देखिए खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों बाबर और राणा संगा के बीच में, कब लड़ा गया था तो 1527 ईस्वी में लड़ा गया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। चौसा का युद्ध, तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया, तो उसके बाद ही होगा जाहिर सी बात है। तो चौसा का युद्ध हुआ था दोस्तों, नोट कर लीजिएगा कब, तो 1539 में, ठीक है, 1539 में। और कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। तो कुछ इस तरह से आपका सुमिलन होगा, और कन्नौज का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच ही लड़ा गया था, ओके। चलिए तो ये आंसर आपका होता है दोस्तों यहाँ पे, नोट कर लीजिएगा 3, 4, 1, 2, है ना, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे विषुवत रेखा, देखिए ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया, इक्वेटर कहते हैं विषुवत को, ठीक है। तो इक्वेटर जो है उत्तर और दक्षिण ध्रुव के बीच बीच की पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली एक काल्पनिक रेखा है, क्या है ये, तो एक काल्पनिक रेखा है, आंसर यहाँ पे बी कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाती हैं। बिल्कुल आइसो हाइट्स जो है ये क्या करती है दोस्तों, आंसर डी कर लेंगे यहाँ पे, तो बराबर वर्षा वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है किसको, तो 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध है भारत और बांग्लादेश के साथ, ठीक है, यहाँ पे भारत और बांग्लादेश, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। और 3 बीघा कॉरिडोर संबंधित है भारत सरकार और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक एक सीमा समझौता को लेकर, भारतीय संविधान में 119वें संशोधन का संबंध जो था बांग्लादेश के बीच भूमि के आदान प्रदान को लेकर किया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यह यहाँ की जलवायु पर प्रभाव पड़ता वह क्या है। बिल्कुल यदि भारत के कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु अधिक ताप एवं अधिक वर्षा का प्रभाव से प्रभावित होती, ठीक है, आंसर क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, अधिक ताप और अधिक वर्षा, आंसर हमारा बी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि है, चलिए मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि चाइना है, नोट कर लीजिएगा, मंगोल यार्ड नाम याद होगा, जो प्रजाति है एक तरह का निवास, केवल एशिया के महाद्वीप में पाए जाते हैं ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 को स्थित नहीं है, नहीं बोला गया है, ध्यान देंगे क्वेश्चन में यहाँ पे, तो देखिए कोयम्बटूर राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के पर स्थित नहीं है, ठीक है, जो NH7 है उस पर कोयम्बटूर स्थित नहीं है, बाकी ये तीनों जो है ये स्थित है, ओके याद रखिएगा। क्योंकि एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है कि NH7 का जो है वाराणसी से कन्याकुमारी तक के बीच की ये राजमार्ग है, यानी कि NH है, तो इसकी लंबाई कितनी है ये पूछ सकता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा 2369 है ये इसकी लंबाई टोटल NH7 की, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि NH44 है ना भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसमें NH7 को शामिल कर लिया गया है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और NH1 और NH2 को संयुक्त रूप से ग्रैंडटेक रोड के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लघु हिमालय में स्थित दर्रे का क्या नाम है, सीप किला, नोट कर लीजिएगा, आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा आपका, सीप किला है इसका नाम, सीप किला दर्रे जो है हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो नीलगिरी के पहाड़ियों में पाए जाते हैं, चंदन का सर्वाधिक जो वन है वो कर्नाटक में मिलता है, ठीक है, और इसका सबसे बड़ा एक तस्कर था जो कि प्रख्यात था बहुत ही ज़्यादा, वीरप्पन नाम था, याद होगा आप लोगों को तो, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों के द्वारा किया गया है। बिल्कुल आंसर क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे
किसके? तो मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम यूनानी विद्वानों के द्वारा किया गया था, ठीक है, जिसमें कि बताया गया कि 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को कहा गया था, ठीक है ना। याद करेंगे इसको हम कैसे, तो यूनानी पद्धति के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे भारत की तटरेखा कुल लंबाई लगभग कितनी है? बिल्कुल, भारत की तटरेखाओं की कुल लंबाई है दोस्तों 7516 किलोमीटर की, ओके याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आंसर बी हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सही सुमेलन नहीं किया गया इसमें से एक का, तो ये बताइए जल्दी से। तो देखिए बता दें आपको कि शिमला पीर पंजाल श्रेणी में सुमेलित नहीं है, क्योंकि पीर पंजाल जो दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में है, ठीक, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे, बाकी ये तीनों सही है, इसको नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल बिछा हुआ है? बिल्कुल उत्तर प्रदेश, आंसर कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, सबसे बड़ा रेल मार्ग यहीं पर है। भारत में सबसे कम रेल मार्ग अगर पूछे तो इसका विकास पहाड़ी पर्वत क्षेत्रों में नहीं हो पाया है, ठीक है, और भारत में सर्वाधिक पक्की सड़क का अगर पूछ ले तो सड़क में बता देना है आपको महाराष्ट्र, ठीक है, पर रेल मार्ग सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा, और कच्ची सड़कें जो हैं वो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा हैं। नागपुर योजना का संबंध सड़क से भी है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे थोड़ा। कोझिकोड बंदरगाह भारत के किस प्रदेश में है? चलिए तो आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, आंसर सी कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, जी हाँ ये है मेडागास्कर, मेडागास्कर आंसर क्या करेंगे, इट्स अ सी, आंसर क्या कर लेंगे दोस्तों, मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका के दक्षिण पूर्व तथा हिंद महासागर में ये स्थित है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 कीजिएगा, यहाँ पे गंगा का डेल्टा निम्नलिखित में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे गंगा का डेल्टा जो है चापाकर डेल्टा के नाम से जाना जाता है, फेमस है ये, आंसर सी कर लीजिएगा। त्रिभुजाकार आकृति वाले डेल्टाओं का नाम चापाकर पड़ता है, ऐसे कुछ डेल्टास बनाते हैं ये। भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? फटाफट आंसर कीजिएगा आप लोग भी, क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में न्यायिक समीक्षा का अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है दोस्तों, किसको? आंसर डी कर लीजिएगा। आर्टिकल अगर पूछ ले तो 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को अपने ये दिए गए फैसले और संसद द्वारा बनाए गए विधि को समीक्षा करके दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है, क्या शामिल है दोस्तों? तो एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्गीत के प्रति श्रद्धा शामिल है, ठीक है, आंसर क्या कर देंगे यहाँ पे, ए कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ, एक्चुअली राष्ट्रपति के प्रति श्रद्धा नहीं सरकार पर, ठीक है ए आंसर कीजिएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित सत्यमेव जयते लिखा गया है, चलिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित जो सत्यमेव जयते है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है और श्रीमद् भगवद गीता का राष्ट्रीय पुस्तक माना जाता है, ये जो भगवद गीता है ये हमारा राष्ट्रीय पुस्तक ही माना जाता है, और जो ओम ओम जो वर्ड है ना उसको राष्ट्रीय मंत्र कहा गया है, और सामवेद से भारत में संगीत का उद्भव हुआ था, ठीक। अगर पुराण कुछ पूछ दे, पुराण है ना, तो कुल 18 हैं, ये याद रखिएगा थोड़ा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, अन्य विधायकों के असमान वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित होना आवश्यक है, ठीक है, तो आंसर क्या करेंगे, केवल यहाँ पे जो है अन्य विधेयकों को असमान वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित होना आवश्यक है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इट्स अ सी, ठीक है आंसर सी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? बिल्कुल आंसर करेंगे, लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य समस्त नागरिकों के जीवन स्तर को सुधार लाना, ठीक है, ये समाज के जितने भी साधनों को हो जाए, यानी समस्त नागरिकों को जीवन स्तर में सुधार लाना है, ठीक है, तो आंसर यहाँ पे डी कर लेंगे। और ये आर्टिकल अगर पूछ दे है ना, भाग हमारे संविधान के भाग 4 में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के लिए उल्लेखित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे,
किसी निर्वाचन क्षेत्र के एक संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर निर्वाचन होना है, ठीक। उम्मीदवारों की संख्या 4 और दिए गए वैध मतों की संख्या 5000 है। इस स्थिति में विजयी घोषित होने के लिए न्यूनतम मत पाने का कोटा होगा। तो ये एक तरह का दोस्तों यहाँ पे बता दें कि किसी भी निर्वाचन में देखिए न्यूनतम मत पाने का जो कोटा होता है ये होता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा 5000/4+1 है ना, +1 ठीक, =1001 ठीक। ये है न्यूनतम मत पाने का, और निर्धारित कोटा का अर्थ होता है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए आवश्यक मतों से होता है, और कुल वैध मतों की अगर बात करें तो 50% से अधिक वैध मत को निर्धारित कोटा कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय नागरिकों के मूल्य कर्तव्य क्या है? तो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। किसके? तो 42वें संशोधन में जोड़ा गया है, क्या? 1976 में, ये याद रखिएगा। 42वें संशोधन कब हुआ था? हुआ था 1976 में, और ये संशोधन में लघु संविधान भी इसको कहते हैं, ठीक है, 42वें अमेंडमेंट को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे विधि निर्माण की सामान्यता प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जा सकता है? बिल्कुल, आंसर करेंगे राज्य विधान परिषद की समाप्ति विधि के निर्माण के सामान्य प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, आंसर क्या कर लेंगे? तो यहाँ पे कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे 33 का आंसर कर लीजिएगा, आर्टिकल 169 के तहत, ठीक है, जो भी आपके सामान्य प्रक्रियाएं द्वारा संशोधित किया जा सकता है किसे, तो राज्य विधान परिषद की समाप्ति की विधि के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे बी कर लीजिएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, भारत का संविधान अनग्राकृत हुआ और अस्तित्व में आया कब? भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया, ये एक्चुअली क्वेश्चन है यहाँ पे। तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को, लेकिन 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया? तो इसको लागू कर दिया गया, ठीक, याद रहेगा ना, बी कर लीजिएगा सॉरी 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को, ये आंसर ए कर लीजिएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? देखिए ये आर्टिकल में बता चुका हूँ आपको, आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग का उल्लेख किया गया है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है, ठीक है, आंसर सी करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग भी उत्तर करते रहिएगा, कितने उत्तर सही हो रहे हैं कैलकुलेट करके जरूर बताएंगे आप लोग। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन एवं भत्ता तय होता है? बिल्कुल, आंसर करेंगे भारत के प्रधानमंत्री और वेतन और भत्ता जो है संसद के द्वारा तय होता है, आंसर यहाँ पे सी कर लेंगे। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है? भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार से है, किससे? वैधानिक अधिकार से है, आंसर हमारा बी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? देखिए पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हर तरह के क्वेश्चन का कलेक्शन जो है आपको दिया जा रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन को समझिए और आंसर कीजिए यहाँ पे, ओके। चलिए 38 का आंसर कर दीजिएगा दोस्तों, भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, आंसर सी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 का संबंध किससे है? चलिए तो बता दें कि संबंध जो है धर्म की स्वतंत्रता से है, ठीक है, आंसर हमारा सी कर लीजिएगा। 25 से लेकर 28 तक का जो आपका आर्टिकल है उसमें धर्म की स्वतंत्रता के संबंध में ही चर्चा की गई है, ओके। तो 25, 26, 27, 28 कुछ भी पूछे तो धर्म से रिलेटेड चीज़ें ही यहाँ पे बताई गई हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों द्वारा कृपाण और धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? तो ये देखिए, ये फिर धर्म की बात हुई है धार्मिक स्वतंत्रता की, तो आर्टिकल हम 25 की बात करेंगे, ठीक है, इसके द्वारा ही सिखों को कृपाण, जो कृपाण रखते हैं वो लोग धारण करते हैं, वो एक उसको स्वतंत्रता दी गई है, उसको अंग माना गया है उसके शरीर का ही कृपाण को, ठीक है। तो चलिए आंसर यहाँ पे क्या करेंगे, आर्टिकल 25 बी कर लीजिएगा उत्तर, ठीक है। और देखिए
चूँकि 26 भी आपका धार्मिक कार्यों से संबंधित है और 27 भी और 28 भी, ठीक है। आर्टिकल 28 में जो है लिखा गया है कि राज्य के द्वारा जो भी प्रायोजित वित्त पोषित और अर्धवित्त पोषित संस्थानें होती हैं किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, उसमें ये कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 41, धातु की एक प्लेट में वृत्ताकार छेड़ कटा हुआ है, यदि प्लेट को गर्म करके इसमें उसका ताप बढ़ाया जाए तो छेद का व्यास क्या होगा। छेद है, एक्चुअली छेद लिख दिया गया है, ठीक है। तो देखिए धातु है उसकी एक प्लेट में वृत्ताकार छेद कटा हुआ है, यदि प्लेट को गर्म करके इसमें उसका ताप बढ़ा जाए और छेद का व्यास क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। तो आंसर करिएगा यहाँ पे, वृत्ताकार छेद जो है वो कटा हुआ है, यदि प्लेट को गर्म करते हैं आप तो उसमें प्लेट का ताप है वो बढ़ जाएगा और छेद का व्यास भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या करेगा, बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, मानव कान हवा में चलती हुई ध्वनि तरंगों को सुन सकते हैं जिसका तरंग दैर्ध्य कितना होना चाहिए। बिल्कुल, आंसर क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे, जल्दी से उत्तर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर तक की तरंग दैर्ध्य को सुन सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि एक गेंद को 90 मीटर ऊंचाई से गिरा दिया जाए गया है और धरती तक पहुंचने में उसका एक वेग कितना होगा। देखिए 90 मीटर, ठीक है, 90 मीटर ऊंचाई से इसको गिराया गया है धरती पर और धरती तक पहुंचने के में उसका जो वेग होगा वो कितना होगा, तो याद रखिएगा 30√m, देखिए यहाँ पे मैं साफ साफ लिख देता हूँ, 30√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कोणीय वेग क्या होता है, तो कोणीय वेग इंटू त्रिज्या होता है, इसलिए ये फॉर्मूले से निकलता है यहाँ पे 30√2 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक कण, देखिए अगला कण है, ये कण है ना, कण लिख दिया गया है यहाँ पे, एक कण पूर्व दिशा में 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रहा है, देखिए ये भी न्यूमेरिकल है, और 10 सेकेंड में उसका वेग परिवर्तित होकर उत्तर दिशा में हो गया है, ठीक है, तो उसका कण का औसत त्वरण क्या होगा, एक्सेलरेशन पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम एक्सेलरेशन का यहाँ पे कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो ये निकालते हैं दोस्तों हाफ, ये लिख लीजिएगा थोड़ा यहाँ पे, एक्चुअली ये त्वरण जो है माइनस में आएगा, 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। आंसर आपका क्या करेंगे दोस्तों, सी कर लीजिएगा, है ना, माइनस में है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि लाल रंग के गुलाब को पीले प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा दिखाई देगा। बिल्कुल, आंसर करेंगे लाल रंग को जब गुलाब के पीले प्रकाश में देखेंगे तो वह काला दिखाई देगा, ठीक है, आंसर हमारा डी कर लीजिएगा, ठीक है ना। वस्तु जिस रंग का दिखाई देता है वो वास्तव में उसी रंग को परिवर्तित करती है और शेष सभी रंगे जो होती हैं वो अवशोषित कर लेती हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओम का नियम इनमें से किस पर लागू होता है, तो ये धात्विक चालक पर लागू होता है, किस पे, आंसर ए करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यदि चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया बल उसके प्रवाहित धारा में अनुक्रमानुपातिक करता है, ठीक है, अनुक्रमानुपातिक होता है उसका, ठीक, आंसर ए कर लीजिएगा, ए धात्विक चालक। देखिए एक और न्यूमेरिकल से क्वेश्चन है यहाँ पे, एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया, यह मानकर कि जहाँ पर ग्रेविटेशन 10 मीटर पर सेकेंड है और वस्तु द्वारा जो समय लगा 1.2 सेकेंड में तय हो गई, तो दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस निकालना है यहाँ पे आपको, तो आंसर क्या करेंगे आप लोग यहाँ पे, जी हाँ 4.8 मीटर होगी ये, ठीक है। चलिए ये वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, इस फॉर्मूले पे निकाल लीजिएगा आप लोग, ओके, सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऊपर जाते हुए गुब्बारे से जिस पर ऊपर की ओर त्वरण ए लग रहा है, अगर एक वस्तु ऐसे क्षेत्र में छोड़ी गई जिसमें कि गुरुत्वीय त्वरण जी है और गुब्बारे से निकलने वाला तुरंत बाद वस्तु का त्वरण क्या होगा। फिर से यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, तो एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, तो ए माइनस जी कर लेंगे हम यहाँ पे, ठीक, तो ये सारी चीज़ निकल जाएगा, ठीक है ना, इस फॉर्मूले से। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे,
खुरदुरे क्षैतिज सतह पर एक किलोग्राम, ये भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल से है, देख लीजिएगा, एक किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु रखी गई, वस्तु और सतह के बीच घर्षण गुणांक 0.5 का है और गुरुत्वीय त्वरण जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वस्तु पर यदि 3 न्यूटन का बल लगाया जाए तो घर्षण में बल कितना होगा, घर्षण में बल पूछ रहा है यहाँ पे। बिल्कुल आंसर कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे 3 न्यूटन ही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, एक गैल्वेनिक सेल के बाहरी परिपथ में इलेक्ट्रॉन बहाव क्या होता है, तो आंसर करेंगे एक गैल्वेनिक सेल के बाहरी परिपथ में इलेक्ट्रॉन का बहाव धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, और की तरह होता है, और धनात्मक से ऋणात्मक की इलेक्ट्रोड की तरह ही होता है। ठीक है, जब विद्युत का अपघटन है ना, होता है ना, तो उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो जो पॉजिटिव होता है साइड है ना, जिसे हम लोग कैशन कहते हैं, कैथोड की ओर, तथा ऋणात्मक यानी कि एनियन जो होते हैं, एनोड की ओर चलने लगता है, जिस पर कि जाकर जमा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक कैप्सूल में 8 ग्राम कार्बन और 6 कार्बन, ठीक है, C614 है, आइसोटोप है, जिसकी अर्ध आयु 5600 वर्ष है, तो 16800 वर्ष में जो कार्बन C614 है, इसकी बची हुई मात्रा कितनी होगी, आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, 1 ग्राम होगी, आंसर ए हो जाएगा आपका। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, जब एसिटिक एसिड को धीरे धीरे अमोनिया हाइड्रोक्साइड के घोल में डालते हैं तो विद्युत चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि जी हाँ, ये धीरे धीरे अमोनिया हाइड्रोक्साइड के घोल में डालते हैं तो विद्युत चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि आयनों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, किसकी, तो आयनों की संख्या बढ़ जाती है, आंसर हमारा डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि तत्व जिसका परमाणु अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की अधिकतम बंधुता दर्शाता है वह क्या है, बिल्कुल वह है दोस्तों, इट्स अ फ्लोरीन। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, जी हाँ, अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन के लिए अधिकतम बंधुता दर्शाता है वह है आपका फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से एक में 11 न्यूटन और 10 इलेक्ट्रॉन और 9 प्रोटॉन है तो उसे ज्ञात कीजिए, चलिए उत्तर कीजिएगा जल्दी से, इसका आंसर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, तो आंसर कीजिए दोस्तों, जब 11 न्यूट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और 9 प्रोटॉन है तो वह एक ऋणायन होगा, क्या होगा, आंसर बी कर लेगा। ठीक है, कर लीजिएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, जब सोडियम क्लोराइड की सांद्र घोल का वैद्युत अपघटन करते हैं तो उसके बाद होता है, जी हाँ, उसके उत्पाद जो होते हैं दोस्तों, आपको बता दें कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और क्या होता है, NaOH होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, चलिए आंसर बी कर लेंगे हम यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित नाभिकीय अभिक्रियाओं में से किस अभिक्रिया में अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं दिया है लेकिन आप लिख लीजिए इसको, 238/92 यूरेनियम जो होता है, ये होता है 234/90 थोरियम। ठीक है, पॉजिटिव। ओके, ये होता है नाभिकीय अभिक्रिया का अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है। ठीक है, चलिए तो ये याद ध्यान रखिएगा थोड़ा, एक तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण निम्नलिखित प्रकार से है। ठीक है, 1s² है, 2s² है, ये 2p(s^5) है। ठीक है, p^5 है ये एक्चुअली, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में इस तत्व के लिए यह संभावना है कि वह एक इलेक्ट्रॉन जरूर लेगा, ये है। ठीक है, आंसर यहाँ पे देखिए ये क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, आंसर सी कर लीजिएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से विद्युत अपघटनों में से सबसे अधिक आयन किस में है, 58 का आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, 50 ग्राम NH4C जिसे हम लोग अणु सहित 535 जो कहते हैं इसको। ठीक है, कितना, तो 50 ग्राम NH4C है ना, एक्चुअली NH4Cl होना चाहिए, आंसर हमारा सी होगा, और ये
535 होगा ये, ठीक है 535, ओके ये अधिक आयन है इसका सबसे। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में 10^-4 मोल घोल का पीएच क्या होगा? तो देखिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, तो 10 होगा, है ना 10 हो जाएगा, ठीक है। पीएच का मान उदासीन 7 पे होता है, और 7 से जब अधिक होने लगता है तो वो क्षारीय बन जाता है, और कम होता है तो अम्लीय बन जाता है, ये ध्यान रखिएगा। एक जैसी दाव एवं ताप की स्थिति में निम्नलिखित में से गैसों में सबसे अधिक घनत्व किसका है? बिल्कुल आंसर हम क्या करेंगे, इट्स अ बी, SO2 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फलों को जल्दी पकाने के लिए निम्नलिखित में से आप किसे चुनेंगे? बिल्कुल एथिलीन को चुनेंगे हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये कर लीजिएगा, विनियमय की क्रियाविधि के परिणाम स्वरूप क्या होता है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, फलों को यहाँ विनिमय की जो क्रियाविधि होती है परिणाम स्वरूप अनुवांशिक पदार्थों के आदान प्रदान करती है, ठीक है आंसर हमारा सी हो जाएगा। यहाँ पे किसी बाह्य उद्दीपन द्वारा नियंत्रित एक पौधे या उसके भागों के संचालन को आप क्या नाम देंगे? अनुप्रेरित, ठीक है आंसर हमारा बी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अमाशय रस पाचन क्रिया में सहायक होता है, बिल्कुल, इस रस का कौन सा घटक टाइलिन को निष्क्रिय करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है आंसर कीजिएगा इट्स अ डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्यावहारिक कॉर्क निम्नलिखित में से मात्र एक मृत उत्तक है जो कि स्थूल दीवारों पर निक्षेपित हो जाता है, बिल्कुल यहाँ पे जो कि स्थूल दीवारों पर निक्षेपित हो जाता है कौन है? व्यावसायिक कॉर्क सुबिरिन, ठीक है आंसर ए कर लेंगे हम यहाँ पे। और जो कोशिकाएं होती हैं वो उत्तक का निर्माण करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और सेल्यूलोज से कागज का तैयार किया जाता है, ओके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि बीज फल के किस भाग के साथ लगे होते हैं? बिल्कुल बीज जो है वो फल के नाभिका भाग में के साथ लगे होते हैं, ठीक है किसके, तो नाभिका भाग के साथ लगे होते हैं, आंसर बी कर लेंगे। निम्नलिखित में से सबसे छोटी पुष्पी पादप कौन सा है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, वोल्फिया, नोट कर लीजिएगा आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे, ओके 0.1 मिलीमीटर का होता है ये एक्चुअली। अगला क्वेश्चन, चाय की गुणवत्ता और सुवास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? देखिए सुवास जो है ये उपर्युक्त सभी पर निर्भर करता है, ठीक है इन सब पे, आंसर डी कर लेंगे ऐसे आप यहाँ पे, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, सूती कपड़े में उष्णकटिबंधीय प्रदेश में अच्छे माने जाते हैं इसके रेशे, ठीक है तो यहाँ पे 69 का कीजिएगा आंसर दोस्तों। सूती कपड़े में उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें रेशे के बीज तंतु होते हैं, आंसर ए हो जाएगा। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि हार्मोन जो है, हार्मोन लिखा हुआ है, उपयोगी होता है, तो हार्मोन जो है उपयोगी होता है उपपचयीय प्रक्रिया हेतु, ठीक है उपपाचीय प्रक्रिया हेतु, आंसर ए कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे 70 प्रश्न थे आज हमारे, जो क्वेश्चन थे जितने यहाँ पे वो दोस्तों आपके GK और GS से रिलेटेड थे, तो थोड़ा सा आज वीडियो आने में लेट हुआ है इसलिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन कल से हम लोग एक और नए टॉपिक पे तैयारी करने जा रहे हैं। जी हाँ, करेंट अफेयर का जो आपका सिनारियो होगा वो करेंट अफेयर का सिनारियो आपके लिए टॉप 10 करेंट अफेयर डेली के दिए जाएंगे अब, और उनके डिस्क्रिप्शंस भी मिलेंगे आपको। उसके अलावा दोस्तों आपको RRB NTPC का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके रिगार्डिंग भी हम लोग यहाँ पे वीडियोस आपको देने जा रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए और भी दोस्तों को जोड़िए ताकि हम लोग आपके लिए ये सारी क्वेश्चन तैयार करके दे सकें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।